वहीं पर इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर, लाइक कि आपको जो है ना 10 घंटे नहीं पढ़ना है, आपको ओनली 2 घंटे पढ़ना है। 10 आवर्स आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसमें डिस्ट्रैक्ट होकर अगर 10 आवर्स आप स्टडी कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। आप एक ऐसा एरिया आप डिसाइड कर लें अपने घर पर, लाइक जहाँ पर एक अपना रूम, आप स्टडी रूम इस तरीके से आप बना लें लाइक कि वहाँ पर आप स्टडी कर सकें। आपके पास में टीवी नहीं होना चाहिए, आपके साथ फ़ोन नहीं होना चाहिए। आप अगर फ़ोन और टीवी अगर आपके पास में होंगे तो डेफिनेटली आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो आप जो है अपना स्टडी रूम बिल्कुल सेपरेटली अलग बनाएं, वहाँ पर आप स्टडी करें। ज़रूरी नहीं है कि 8 से 10 घंटे आप पढ़ेंगे, आप 2 घंटे पढ़ें लेकिन दिल से पढ़ें। आपका फोकस ओनली स्टडी पे होना चाहिए उस टाइम पर। वहीं पर सेकंड चीज़ आप ये ध्यान रखें, से नो टू डिस्ट्रैक्शंस। आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो उन चीज़ों का पहले ही क्लियर करके चलो। यू हैव टू मेक अ क्लैरिटी इन दैट। ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि किन चीज़ों को मैंने नो बोलना है, किन चीज़ों को मैंने यस बोलना है। एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा लाइक क्या, जब एग्ज़ाम आपके पास आ जाते हैं तब आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आपको रिजल्ट वो नहीं मिलेगा। आप पढ़ने में अच्छे हैं या नहीं है ये मैटर नहीं करेगा, मैटर वहाँ पे ये करेगा कि आपने स्टडी को टाइम ही नहीं दिया है। अगर आप एग्ज़ाम आपके लाइक इन अ वीक में आ चुके हैं या लाइक इन अ मंथ में आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम, और आप उस टाइम पे अगर आप उस टाइम पर स्टडी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके जो नंबर्स हैं, जो आपका रिजल्ट है, वो ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि आपने वो फोकस नहीं किया है। तो वहाँ पर ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना कि स्टडी को आप जो है अपनी रूटीन लाइफ में ऐड कर लें। लाइक पर डे जैसे कि मैंने ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, सो सेम वी हैव टू स्टडी एवरी डे। लाइक आपका जो 1 साल की पहले से आप तैयारी करें, 6 महीने से पहले से आप तैयारी करें, तो ये आपको चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी कि अगर आपने स्टडी करनी है तो आप पहले से रूटीन लाइफ में वो चीज़ ऐड करके चलें, क्योंकि वही चीज़ आपकी स्टडी पे इफेक्ट डालेगी आप पर डे जो स्टडी करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर आपको होनी चाहिए। बहुत ज़्यादातर ये चीज़ें, एक और चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है लोगों को, लाइक शादी पार्टी, आउटसाइड जाना, हैंग आउट करना, फ्रेंड सर्कल में एंजॉय करना, ऐसे जहरीले ग्रुप से मैं दूर रहो अगर आपको ज़्यादा लाइफ में कामयाब होना है। तो हमेशा मतलब ऐसे लोगों से आप दूर रहें जो आपको मतलब ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, लाइक आउटसाइड जाना, पार्टी में जाना, शादी में जाना। तो ये चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ये चीज़ें भी आपको डाउन लेके आती हैं, हमेशा आप ध्यान रखना। तो यू ऑलवेज फॉलो योर पैसन, वो चीज़ आपको ऊपर लेके जाएगी, वो चीज़ आपके मार्क्स अच्छे लेके आएगी, वो आपको इंडस्ट्री में कामयाबी दिलाएगी, वो चीज़ आपको आपके फील्ड में एक ना एक दिन एक अच्छे लेवल पे कामयाबी दिलाएगी वो चीज़।